नमस्कार दोस्तों, आज मैं INCTV की तरफ से एक खास अपील लेकर आप सबके सामने आया हूं। राजस्थान के उदयपुर में जो कुछ हुआ उससे आप सब वाकिफ होंगे। उस वारदात की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। INCTV उस जघन्य वारदात में शामिल सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता है। साथ ही आप सब से, पूरे देश से अपील करता है कि इस नाजुक मौके पर हम सब शांति और सद्भाव बनाए रखें। वारदात के बाद तनाव का माहौल रहा, सोशल मीडिया पर तनाव और पसरा हुआ है। कुछ शरारती तत्व वारदात से जुड़ा वीडियो शेयर करके माहौल और ख़राब कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने वाले पोस्ट लिख रहे हैं। इसके पीछे उनका स्वार्थ है, लेकिन वो स्वार्थ हमारे सभ्य समाज के लिए खतरा है। इन सब पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। शासन प्रशासन को इस बाबत ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। साथ ही समाज को भी आगे आना चाहिए। वैसे नाजुक मौक़ों पर समाज की भूमिका सबसे प्रभावी होती है। INCTV आप सबसे अपील करता है कि आप जहां हैं, जिस जगह हैं, वहां आसपास सद्भाव शांति का माहौल बनाए रखें, शरारती तत्वों से सावधान रहें और किसी तरह की अफवाह पर कतई भी विश्वास नहीं करें। राजस्थान सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में तुरंत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वो इस जघन्य वारदात में शामिल हर एक शख्स को सजा दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है। उदयपुर मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से मर्डर करना किसी का, ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मॉलों में लोग ये समझ नहीं पा रहे, कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फ़र्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरा मानना है कि PM को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से वापस करना। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है, कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। व्यक्ति जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है, वहाँ पर बातचीत भी हुई है, वो CMO के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है, उसी रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने भी उदयपुर मामले को लेकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात करते हुए शांति और सद्भाव की अपील की है। उन्होंने
लिखा है अपने ट्वीट में कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूँ। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी सभी से अपील है कि कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। श्री राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो इस देश के आम आदमी के मन में है। आम आदमी शांति सुकून से अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहता है, लेकिन कुछ उन्मादी तत्व देश की फिजा में नफरत और उन्माद घोल रहे हैं। ये हम सबके लिए घातक है और पूरे देश के लिए घातक है। INC TV आप सबसे फिर से अपील करता है कि आप सब शांति और सद्भाव बनाए रखने में सरकार और प्रशासन की पूरी मदद करें। वारदात से जुड़ा वीडियो या फिर वारदात से जुड़ी तस्वीर कतई शेयर न करें। सांप्रदायिक संगठनों और नफरती चिंटुओं के पोस्ट पर ध्यान न दें और शांति सद्भाव बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। जिन लोगों ने जुर्म किया है उन्हें निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, लेकिन उन लोगों के जुर्म की सज़ा आम आदमी को नहीं मिलनी चाहिए, आम जनमानस को नहीं मिलनी चाहिए, हम सबको नहीं मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिलनी चाहिए, अपने देश के सभ्य और शांति प्रिय समाज को कतई नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार।